So hi guys, finally we have Nishal back on our channel, and this time for something very important for crypto industry, जो कि इनका खुद का project आने वाला है, जिसका नाम है Shardium. We are seeing Nishal every single day. You are tweeting about Shardium. तो लोगों को काफी ज्यादा question है कि Shardium basically है क्या और Shardium कर क्या रहा है और ऐसा क्या major concern है crypto industry का जिसको Shardium solve कर रहा है. तो हम लोग जानना चाहेंगे उसके बारे में in detail from Nishal. And सबसे पहले तो निशल, वेलकम यू ऑन टू अवर चैनल अगेन. हाउ इज लाइफ, हाउ इज एवरीथिंग, एंड थोड़ा सा आइडिया दो व्हाट इज Shardium और लोगों के ऑडियंस के सारे डाउट अबाउट द Shardium शायद आज दूर हो जाए. मुझे शो में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो. हैप्पी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस यू माइट हैव. यप, सबसे पहले Shardium पे चलने से पहले आज निशल बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द क्रिप्टो मार्केट. Crypto market, we have seen it fallen down from $69,000 to like $17,500. लोगों में काफी ज्यादा पैनिक है. $23,000 के अराउंड BTC market फिलहाल चल रही है, but still people are feeling like कि अभी entry और ले कि नहीं ले. Right now we can see more bottom or not. यहाँ से market ऊपर चली जाएगी, नीचे चली जाएगी. आपका क्या opinion है फिलहाल market को देख के? आपको क्या लगता है market किस side जा सकती है फिलहाल? For sure it will be a non-financial advice from you. But still, which side you are? Like, आपको लगता है मार्केट नीचे जा सकती है, ऊपर जा सकती है, क्या होने वाला है अभी फिलहाल? I think short term में definitely short term pains दिख रहे हैं अभी. I think एक जो dip था, I don't think ये last dip है. More so because आप अगर देखोगे तो जो global economic condition है वो भी खराब होते जा रही है. Mostly because last दो साल में जो inflation आया हुआ है तो उसे यूएस एंड यूएस के बाद हर कोई कंट्री उसको कंट्रोल करने देखेगी, विच मीन्स मार्केट से लिक्विडिटी खींच लेंगे बाहर, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है. तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लिक्विडिटी निकल जाएगा. अगर लिक्विडिटी निकल गया तो मार्केट्स गिरेंगे, क्योंकि कोई खरीदार ज्यादा नहीं होंगे और लोग और बेचने लगेंगे अपने एसेट्स को. तो आई थिंक एक हमने जो अभी जो डिप देखा, ये शायद एक फर्स्ट वेव है. जैसे आप बुल मार्केट भी आप देखोगे तो पहले you know 2x हो जाता है, फिर 3x होता है, 4x. तो डिप भी उसी तरह से सेम यू नो पाथ फॉलो करेगा. एंड आई थिंक एक दो साल तो आई थिंक यही सोचना पड़ेगा कि इट बी अ आई वुड से लो टाइम होगा मार्केट्स का, नॉट जस्ट क्रिप्टो बट ग्लोबली. एंड होपफुली यू नो यूजुअली एटलीस्ट वो जो चार साल का साइकिल होता है जहां पे आपका बिटकॉइन हैविंग आ जाएगा 2024 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, होपफुली वहां से मार्केट वापस पिकअप करने लगे. हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि हर रोज मार्केट सिर्फ गिरता जाएगा. अगर आप अभी समझो 2018 से 2020 जब तक बुल रन नहीं आया था, उस बीच में भी अगर ट्रेडिंग करते थे तो आपको रियलाइज करोगे आप उसमें बीच में मिनी बुल आते रहते हैं जहां पे थोड़ा ऊपर जाएगा. अभी भी वही हो रहा है, बिटकॉइन नीचे गया फिर वापस 23 आ गया. तो आई थिंक वो छोटे छोटे बुल रन होते रहेंगे छोटे मोटे, बट जो ये 2020-2021 का जो आपने एक्सपीरियंस किया, जो पहले 2016-2017 में आपने एक्सपीरियंस किया था, आई थिंक उसके लिए शायद और दो तीन साल लगेंगे. और तब तक यू नो आई थिंक केयरफुली इन्वेस्ट करो, थोड़ा जो स्प्लिट करो अपना इन्वेस्टमेंट, एक साथ इन्वेस्ट मत करो, बाइंग अपॉर्चुनिटीज और आएंगे. तो आई थिंक वेट एंड वॉच है, डाइवर्सिफाई भी करो. बट आई थिंक अभी थोड़ा लिक्विडिटी का इशू होने वाला है सब जगह में. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियंस को मैं ये भी बोलना चाहूंगा, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस फ्रॉम Nishal नाइदर मी. वी आर जस्ट डिस्कसिंग अपना हमारा ओपिनियन, कि हमारा ओपिनियन क्या है. इट माइट हैपन, इट माइट नॉट हैपन. तो उसके लिए शायद आप Nishal को बाद में ब्लेम करो, मेरे को ब्लेम करो, ऐसा नहीं है. तो इट इज ओनली अबाउट द मार्केट कंडीशन. यही मैं बातें बार बार मैं भी कर रहा हूँ बार बार, कि अभी फिलहाल इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो चुका है, उसको कंट्रोल करने के लिए रेट हाइक्स और ज्यादा होंगे, बहुत सारे और इश्यूज है मार्केट में. हम सिर्फ नेगेटिव न्यूज सुन रहे हैं फिलहाल, पॉजिटिव सुन नहीं रहे. तो इवन आई एम फीलिंग लाइक कि अभी मार्केट को डिप लेने बाकी है. बाकी यस, बहुत सारी वेव्स आती है हर सीजन के अंदर बुल रन में, वैसे ही बियर रन में भी आती है, एंड वी हैव ऑल सीन दैट लाइक फ्रॉम मेनी सीजंस राइट नाउ. तो अब थोड़ा सा आदत पड़ गई है. जो लोग नए हैं उनके लिए यही कहेंगे, डाइवर्सिफाई करो पोर्टफोलियो को, एक ही बारे में सारा पैसा मत लगाओ और वेट करो, बिकॉज एट द एंड वी बिलीव कैश विल बी द किंग इन दिस सीजन. अगर आपके पास कैश होगा, अगर आपके पास यूएसडीटी होगा, स्टेबल कॉइन्स होंगे, चीजें होगी, यू कैन मेक हेल लॉट ऑफ मनी इन नेक्स्ट बुल सीजन. जो कि अगर, और मैंने हमेशा हमने देखा भी है, क्योंकि हमने अपने क्रिप्टो फील्ड के अंदर काफी लोगों को एक्सपीरियंस किया, देखा है, पीपल
लाइफ हैव चेंज इन क्रिप्टो, जिन्होंने एक अच्छे टाइम पे बियर सीजन के अंदर एंट्रीज लिए, बिकॉज आई बिलीव बुल सीजन के अंदर सिर्फ पैसा कमाया जाता है और बियर सीजन में आई बिलीव की लाइफ चेंज हो जाती है. सो टुडे लेट अस निश्चल डिस्कस अबाउट शार्डियम. व्हाट इज बेसिकली शार्डियम, जो कि हमने अभी फिलहाल इथेरियम के अंदर भी, जो अभी इथेरियम की न्यू अपडेट आई है मर्ज सर्ज एंड स्लर्ज एंड ऑल, उसके अंदर हमने काफी पढ़ा कि उसके अंदर भी शार्डिंग की बात करी जा रही है नेक्स्ट अपडेट जो कि आएगी अगले सीजन में. तो बेसिकली शार्डिंग है क्या, शार्डियम क्या है और कैसे ये एक बहुत बड़ी क्रिप्टो की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, थोड़ा सा आप उसको एक्सप्लेन करो सो दैट मेरे लिए भी और ऑडियंस के लिए भी ये चीज ईजी हो जाए कि शार्डिंग होता क्या है और आपका प्रोजेक्ट उसको कैसे हमारे ब्लॉकचेन को एक सॉल्व कर रहा है इश्यूज को, जो कि जिसके बाद हम कहते हैं एक रियल यूज के क्रिप्टो मार्केट में एक प्रोजेक्ट के साथ यूज होगा. श्योर, आप एक बार शार्डियम के बारे में डिस्कस करें. शार्डियम क्या है? सो शार्डियम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन है और इथेरियम की तरह ही है, जहाँ पे आप जैसे इथेरियम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन कर सकते हो, उसके बेसिस पे डीफाई, प्ले टू अर्न, जो भी एनएफटीज, जो भी इकोसिस्टम बना है, ERC20 टोकन्स लॉन्च कर सकते हो आपका खुद का. तो सेम ये सभी चीज आप शार्डियम में भी कर पाओगे और सेम कोड के साथ. तो क्योंकि हमने शार्डियम के ऊपर EVM यूज किया है. EVM इज इथेरियम वर्चुअल मशीन. तो वो क्या होता है, जैसे आप जब एक सॉफ्टवेयर कोड लिखते हो तो उसको रन करने के लिए आपको एक दूसरा सॉफ्टवेयर होना चाहिए और वो है EVM. कुछ दूसरे चेंज क्या करते हैं, आपका अपना खुद का वर्चुअल मशीन लिखते हैं, तो इसलिए वहां पे कोई और लैंग्वेज यूज करना पड़ता है. जैसे सोलाना में शायद आपको रस्ट यूज करना पड़ेगा. तो अलग अलग कोई कोई ब्लॉकचेन अभी मूव लेके आ रहा है. हमने क्या सोचा कि हमारा जो कोर ब्लॉकचेन है, जो अंडरलाइंग लेयर है, वो नया है, ब्रांड न्यू है, हम लिख रहे हैं, लेकिन जिसपे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन कर सकते हो वो हम वही यूज करना चाहते थे जहाँ पे मैक्सिमम डेवलपर्स ऑलरेडी प्रोग्राम्स लिख चुके, जो था EVM, इथेरियम वर्चुअल मशीन. तो हमने जैसे आपका अभी समझो आप फायरफॉक्स आपका ब्राउजर हो गया, फिर गूगल ने क्रोम लाया, पर आपका जो वेबसाइट फायरफॉक्स में चल रहा था वो क्रोम में भी चलता है. तो इट्स सेम कॉन्सेप्ट है, अंडरलाइंग क्रोम लेकिन फास्ट है, क्रोम बेटर है इन टर्म्स ऑफ यू नो एग्जीक्यूशन स्पीड एंड एवरीथिंग, एटलीस्ट कहते थे. अभी यू नो इट्स नॉट लाइक मैं बोल रहा हूँ फायरफॉक्स स्लो है anything, but I'm just saying when they launch. But आपके सब websites जो Firefox में और Internet Explorer में run होते थे वो Chrome में भी हो रहे थे. So same way हमारा भी ऐसे ही है कि underlying infrastructure अलग है लेकिन उसके ऊपर आप same run कर सकते हो. So it's a simple smart contract platform, exactly like how Ethereum operates. अभी अंदर जो है core में वो बहुत different है, बहुत ही अलग है. And this is where sharding का जो concept है वो हमने apply किया है और day one से किया. अभी इथेरियम आप जो बोल रहे थे शार्डिंग, तो उन्होंने क्या जब लॉन्च किया तब शार्डिंग नहीं था, तो इट्स एन अनशार्डेड अभी सिंगल चेन है और उसके ऊपर उन्हें वो लोग अभी शार्डिंग लाने देख रहे हैं. ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. क्यों? क्योंकि जैसे आपने बोला आपके पास एक पेट्रोल की गाड़ी है, उसको इलेक्ट्रिक बनाओ, वर्सेस आप किसी और को बोल रहे हो एक नया इलेक्ट्रिक कार बनाओ, कौन सा इजी है, कौन सा सही है, और सब डिसीजन आप स्क्रैच से ले सकते हो. तो हमारे केस में वही हुआ है कि जब शार्डिंग हम सोच रहे थे और बना रहे थे, और ये 2017 में चालू हुआ था, मेरे को-फाउंडर उमर ने स्टार्ट किया था, तो उनका एक ही कॉन्सेप्ट था कि हम शार्डेड ब्लॉकचेन कैसे बनाएंगे. तो इसलिए जो डिसीजंस लिए हुए हैं वो इतने सही तरीके से लिए कि आज के डेट में हम जब लाइव जाएंगे हम विद शार्डिंग लाइव जाएंगे. ऐसा नहीं है कि लाइव जाने के बाद शार्डिंग लाएंगे. हमारा शार्डिंग, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज शार्डिंग? श्योर. सो अभी हम अभी और इट्स लाइक द फ्लेवर ऑफ द सीजन, सब लोग शार्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं. सो शार्डिंग एज अ कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, ये बहुत सालों से चल रहा है इन टेक्नोलॉजी. अब अगर आप कोडिंग करते हो तो आपको रियलाइज करेगा कि शार्डिंग एज अ कॉन्सेप्ट हमेशा रहा है. शार्डिंग क्या होता है कि एक चीज को आप अगर मल्टीपल चीजों में ब्रेक करोगे, मल्टीपल छोटे पार्ट्स में, और वो पार्ट मिला के जब वो एक बड़ा यू नो एक सब्सटेंस बनता, लाइक एग्जाम्पल देता हूँ, सही एग्जाम्पल नहीं है बट एक मिरर है आपके पास, ठीक है, उसमें एट ए टाइम आप ही यूज कर सकते हो. अगर मुझे यूज करना है आपसे वो मिरर लेना पड़ेगा और फिर मैं यूज कर लूंगा. आपने अगर वो मिरर को 10 पीसेस में ब्रेक कर दिया तो एक मिरर आप यूज कर रहे हो छोटा और एक मैं यूज कर लूंगा, कोई और यूज करेगा. तो यू नो इट्स लाइक ब्रेकिंग समथिंग इन टू मल्टीपल पीसेस, दैट इज शार्डिंग अल्टीमेटली, मल्टीपल स्मॉलर पीसेस. तो दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट. तो ब्लॉकचेन के दुनिया में ऐसा हो गया कि एक ब्लॉकचेन को आप 100 ब्लॉकचेन बना दो और हर ब्लॉकचेन वो जो 100 पीसेस हैं उसमें हर कोई पैरेलल
यूज कर सकता है. सो वो अगर समझो एक ब्लॉकचेन का 100 पीसेस है, आप जब ट्रांजैक्शन कर रहे हो आप मे बी पीस नंबर 10 पे रहोगे, मैं जब ट्रांजैक्शन करूं मैं 11th पीस में रहूंगा, कोई और बंदा 15th पे रहेगा, और हमारा ट्रांजैक्शन पैरेलल में हो सकता है क्योंकि आपको जो आप जो पीस में कर रहे हो सिर्फ आपके लिए है और दूसरों के लिए है, मेरा वाला जो है वो मेरे लिए और मेरे साथ कुछ लोगों के लिए रहेगा. तो आप स्प्लिट कर सकते हो और पैरेलल एग्जीक्यूशन आ जाता है, बेसिकली स्प्लिटिंग द ब्लॉकचेन इनटू मल्टीपल पार्ट्स, मल्टीपल हां मल्टीपल स्मॉलर पार्ट्स, मल्टीपल सेक्शंस उसके अंदर हम डिवाइड कर रहे हैं. यस, सो दैट बेसिकली आपसे मैंने एक बार और भी मीटिंग करी थी, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करी, तो वहां पे आपने थोड़ा समझाया था कि अभी एक्चुअल में एक ब्लॉक जब हमारे ट्रांजेक्शन होती है उसके अंदर ट्रांजेक्शन्स होती है, बहुत सारी पुरानी हिस्ट्रीज होती है, तो एक ब्लॉक जो है वो लिमिटेड ही काम कर सकता है. बिकॉज ऑफ दैट एट द एंड इथेरियम जो है वो कंजेस्टेड इसीलिए हो गया क्योंकि एक ब्लॉक के अंदर लिमिटेड ही इंफॉर्मेशन आ सकती है. तो शार्डियम के अंदर क्या हो रहा है बेसिकली कि एक ट्रांजेक्शन हुई और उसका एक अलग ब्लॉक बन गया, अगली ट्रांजेक्शन हुई उसका अलग ब्लॉक बन गया, अगली ट्रांजेक्शन हुई उसका अलग ब्लॉक बन गया. दैट इज व्हाई शार्डियम एंड शार्डिंग इज बेसिकली मोर फास्टर देन इथेरियम इटसेल्फ. या एंड ऑल्सो बिकॉज आप मल्टीपल जो ट्रांजेक्शन है एक साथ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यू नो ब्लॉकचेन को रुकना पड़ रहा है कि आपका ट्रांजेक्शन आ जाए फिर निश्चल का ट्रांजेक्शन आ जाए और 10 ट्रांजेक्शन उसको हम मिला के फिर एक कंफर्मेशन करेंगे. यहाँ पे कैसा होता है जैसे आपका ट्रांजेक्शन आएगा उधर कंफर्मेशन हो रहा है, लेकिन इन पैरेलल मेरा ट्रांजेक्शन आ सकता है और उसपे भी कॉन्सेंसस होके उसपे भी कंफर्मेशन आएगा, तो ये पैरेललिज्म आ जाता है. तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है शार्डेड. दूसरा बात क्या है, अगर आपने एक ब्लॉकचेन को छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया बट अगर आपका डिमांड बढ़ गया तो आप और पीसेस ऐड कर सकते हैं, वेयरएज आप जब आपका जो अनशार्डेड चेन होता है उसमें एक ही चेन है और वो बढ़ता नहीं है, तो आप जैसे आज का जो इथेरियम है वहां पे 20 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड है, उसके ऊपर जाएगा नहीं, आप कितने भी नोड ऐड करो कुछ भी करो आप उससे ऊपर नहीं जा सकता. पर यहाँ पे कैसे, अगर आपके पास 100 पीसेस हैं और 100 पीस मिला के आपको लेट से 100 टीपीएस दे रहे हैं और आपका अभी रिक्वायरमेंट है 200 टीपीएस का, तो और 100 पीसेस अगर आप ऐड कर लोगे तो 200 टीपीएस में चले जाओ, तो नोड्स ग्रो करते जाएगा ये. हाँ, पीसेस नोड्स बेसिकली शार्ड्स बोलते हैं क्योंकि एक शार्ड के अंदर बहुत नोड्स होते हैं. तो एक बंच ऑफ नोड्स को शार्ड बोलते हैं और ऐसे आप जितने शार्ड ऐड करोगे उतना आपका टीपीएस बढ़ते जाएगा. ओके, ट्रांजेक्शन पर सेकंड उतना ही बढ़ता जाएगा. तो अभी राइट नाउ अगर मैं बात करूं शार्डियम की, तो अभी तक क्या टीपीएस है ट्रांजेक्शन पर सेकंड्स? सो अभी हम लोग तो टेस्टनेट पे हैं, बट हमने जो टेस्ट किया था वहां पे आई थिंक 1000 नोड्स ऐड किया था और 5000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड अचीव हुआ था. अगर वहां पे 1000 के बदले 10000 नोड ऐड करो तो 10000 हो जाएगा. सो आप यहां पे थियोरेटिकली कोई लिमिट नहीं है, जैसे जैसे आप नोड ऐड करोगे उतना टीपीएस बढ़ते जाएगा. ओके, सो दैट्स अ ब्यूटी, देयर इज नो अपर लिमिट. और यही हमारा कहना है कि अगर आप एक ब्लॉकचेन बना रहे हो फ्यूचर के लिए तो आप ये मान रहे हो कि ग्लोबल मास एडॉप्शन होगा, तो अगर अगर आपका टीपीएस ट्रांजेक्शन पर सेकंड का सीलिंग रहा तो क्या होएगा, अगर सीलिंग हिट हुआ तो उसके ऊपर नहीं जा सकते, फिर आप वही बोलोगे कि कुछ और ब्लॉकचेन यूज कर लो या यू नो एक्सपेंसिव हो जाएगा आपका ट्रांजेक्शन. यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है. अगर मैंने आपको बोला कि शार्डियम में 5000 टीपीएस है, अगर 5000 टीपीएस लिमिट हिट होने लगा तो वो टीपीएस इंक्रीज हो जाएगा 10000, अगर 10000 हिट हो गया तो 100000 चला जाएगा. हमारा नॉट स्टार है कि पहुंच जाते हैं शार्डियम के साथ इतनी नोड्स हमारे पास हो जाती है, then how much can be the TPS for us? So I think थोड़ा मतलब complicated है क्योंकि but I would say आप अगर आप समझोगे 100 नोड्स पर शार्ड आप ले रहे हो और you know वो मे बी आपको 10 TPS दे रहा है, तो you know 1000 में आपका 10 TPS हो गया, 10000 में 100000 में 1000, तो आप 100000 में मे बी 1000-2000 TPS पहुंच जाओगे. अगर 20,000 करना है तो 1,000,000 नोट बना दो. अभी दूसरा एक डिफरेंस क्या है, इथेरियम में अगर आपको नोट रन करना है तो वो बहुत हैवी होता है. क्यों? क्योंकि आपको पूरा हिस्ट्री रखना पड़ता है. अगर आपने कभी इथेरियम का नोट ट्राई किया तो आपको एक हफ्ता लगेगा नोट सेटअप करने में, सिंक होने में, क्योंकि बहुत जीबी ऑफ डेटा है. हमने क्या किया, हमारा जो वैलिडेटर नोड है ये जो चाहिए रहता है वैलिडेशन में,
वो लाइट वेट है, तो आपका 5 सेकंड में सिंक हो जाएगा और आपको सिर्फ 4 GB रैम चाहिए और आपको कुछ ज्यादा हार्डवेयर नहीं चाहिए, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर नहीं, सिंपल रेगुलर हार्डवेयर में आप नोड रन कर सकते हो. So सो like बहुत लाइट वेट है. if I want to run a node, it can be done. या 4 GB में आप खुद रन कर सकते हो और प्रूफ ऑफ स्टेक है तो आप स्टेक कर लो उतना और आप रन करो. आपको कुछ भी ऐसे स्पेशल हार्डवेयर की जरूरत नहीं है. सिंपल ऑफकोर्स आप आपके लैपटॉप में नहीं रन करोगे क्योंकि आप लैपटॉप रन नहीं करोगे, लेकिन आप AWS में या खुद का कोई प्राइवेट होस्टिंग प्रोवाइडर है वहां पे रन कर सकते हो. जैसे ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसी तरह आप यू नो इवन ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आपका नोड रन कर सकते हो शार्डियन पे. I would love to try that. Absolutely. In fact, हमारा यही है कि बिकॉज हमारे लिए ये अच्छा है कि जितने ज्यादा लोग नोड रन करेंगे उतना हमारा TPS बढ़ रहा है. वर्सेज आप कुछ चेंज देखोगे, उन्होंने क्या किया है, नोड्स को कम कर दिया ताकि TPS बढ़ जाए, क्योंकि कम नोड है तो कम सिंकिंग होगा तो थोड़ा TPS बढ़ जाएगा. हमारे केस में ऐसा नहीं है, जितना नोड आप ऐड करोगे उतना TPS बढ़ेगा तो हमारा नेटवर्क उतना ही ग्रो होगा. तो हम चाहते हैं कि सब लोग रन कर पाए, इसलिए हमने स्पेशल इस पे फोकस किया था कि नोड रन करना बहुत सिंपल होना चाहिए और बहुत लाइट वेट होना चाहिए, तो वही अचीव किया है. सो बेसिकली अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो शार्डियम जो है इथेरियम की जो सबसे बड़ा इशू है स्केलेबिलिटी का, उसको सॉल्व कर रहे हैं. एब्सोल्युटली सो और अभी राइट उसमें अभी टच करते हैं. अगर आप बोलोगे कि पर इथेरियम भी तो शार्डिंग कर रहा है तो अब ये क्या सीन है, तो इट इज ट्रू इथेरियम भी शार्डिंग कर रहा है बिकॉज उन्होंने एग्जिस्टिंग चेन के ऊपर शार्डिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने कई कॉम्प्रोमाइजेस किए. तो उनका जो सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज ये है कि उनका ऐसा नहीं है कि इथेरियम का एक्चुअली ट्रांजेक्शन स्केल होगा, उन्होंने सिर्फ डेटा शार्डिंग किया. इसका मतलब है सिर्फ जो डेटा होता है वो डिवाइडेड है बट जो ट्रांजेक्शन का कैपेसिटी है वो सेम रहेगा. पर उन्होंने क्या किया, अभी L1 L2 का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कि अगर आपको और ट्रांजेक्शन स्पीड चाहिए तो L2 इकोसिस्टम है वहां पे जाओ. लेकिन उसका प्रॉब्लम हमको सबको पता है कि अगर आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक L2 में है और दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई और L2 में है तो उनका कोई भी कनेक्शन नहीं. आपके लिए एज अ यूजर आपको चूज करना पड़ेगा कौन से L2 में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं. शार्डियम के केस में आपको कभी ये नहीं सोचना है कि आप कौन से नोड पे हो, कौन से शार्ड पे हो, क्या कर रहे हो. आपके लिए एक ही चेन है वो, और किसी ने कोई भी जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड है शार्डियम में सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं. इंटरऑपरेबिलिटी है, कुछ आपको कुछ सोचना नहीं है. जबकि इथेरियम में कॉम्प्लिकेट होने वाला है बिकॉज आप जिस L2 में हो आपको वहीं पे रहना पड़ेगा, आप मूव नहीं कर सकते इसी. सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. दूसरा है कि आई थिंक ये जो अपना नंबर ऑफ शार्ट्स है इथेरियम में एक अपर लिमिट रखा है उन्होंने, आई डोंट नो बट 64 या कुछ तो है, उसके ऊपर शार्ट्स नहीं होंगे तो वहां पे भी अगेन एक लिमिट आ जाएगा. okay. जो यहाँ पे नहीं है. It is exactly with the same example that you have given कि अगर आप न्यू कार बना रहे हो उसको पेट्रोल वाली को अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आप उसको इलेक्ट्रिसिटी पे कर दो, इलेक्ट्रिक कार कर दो, और एक नई कार बना रहे हो तो दैट इज़ वेरी वेरी इजी, क्योंकि इतनी ट्रांजेक्शन, इतना यूजर्स, इतना डेवलपर, सब कुछ इथेरियम पे ऑलरेडी हो चुका है. तो दैट इज व्हाई मूव करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, नए सिस्टम में मूव नहीं कर सकते. तो यू नो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया और डेटा शार्डिंग लाया, कंप्लीट शार्डिंग नहीं है वहां पे. वी कैन क्लियरली सी विद द स्टेकिंग एज वेल, जो ईथर 2.0 है वो कितने टाइम से आगे पोस्टपोन होता जा रहा है फिलहाल. इट इज ऑल हैपनिंग रीजन बीइंग कि बहुत यूजर्स ऑलरेडी चीजें कर रहे हैं तो उनको साइड में करते उनके करते करते में कैसे करा जाए, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू. सो अबाउट शार्डियम, व्हाट इज द टोटल ब्लॉकचेन साइज ओवर हियर? So, like I said, क्योंकि हमारे पास तीन टाइप के नोड है तो एक जो नोड है वो होता है आर्काइव नोड, तो वहां पे आपका पूरा जो हिस्टोरिक डेटा है ना वो आर्काइव नोड में होता है और ये एक सेपरेट सेट ऑफ नोड है. दूसरा होता है आपका वैलिडेटर नोड, ये नोड है जो आप रन करोगे, मैं रन करूंगा, जिसको भी रन करना है क्योंकि आप कॉन्सेंसस में पार्ट. उसमें आपको वही है 4 GB रैम चाहिए और शायद 1 GB भी डेटा नहीं होगा उसमें बिकॉज उसमें बहुत कम सिर्फ अकाउंट डेटा होता है. सो व्हाट इज अकाउंट स्टेट, अगर आपके लेट्स से वॉलेट में लेट्स से 10 टोकन है, मेरे वॉलेट में 20 टोकन है, तो ये जो वैलिडेटर नोड है उसको उतना ही पता करना है कि आपके वॉलेट में कितना है, मेरे वॉलेट में कितना, उसको हिस्ट्री नहीं चाहिए. okay. तो इसलिए हमने क्या कर दिया, हिस्ट्री दूसरे नोड में डाल दिया है, दूसरे टाइप के नोड में जो कॉन्सेंसस में नहीं होगा, उसको कुछ यू नो इसमें कुछ लेना देना नहीं है. और जो वैलिडेटर नोड है वो बहुत लाइट वेट, तो आपको हार्डली कुछ आई डोंट नो
1 GB शायद हार्ड डिस्क चाहिए रहेगा और 4 GB रैम और चल जाएगा आपका। सो बेसिकली लोगों को थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा कि नोड बेसिकली रन करने से आप बेसिकली वैलिडेट कर रहे हो ट्रांजेक्शन को, कि ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर रहे हो, जो एक माइनर करता है बेसिकली आप वो कर रहे हो काइंड ऑफ, और उसका आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा। तो अगर आप शार्डियम की एक नोड रन कर रहे हो तो फॉर श्योर अगर आप उसकी कोई ट्रांजेक्शन को वैलिडेट कर रहे हो तो उसका आपको रिवॉर्ड मिला करेगा जस्ट लाइक अ माइनर। तो आप भी उसकी काइंड ऑफ अ माइनिंग हम कह सकते हैं या नोड रन करना वैलिडेट करना स्टार्ट कर सकते हो। मैंने भी अभी उसको कभी ट्राई नहीं किया, आई वॉज ट्राइंग फॉर different different chain, क्योंकि यहाँ पे reward काफी अच्छे मिलते हैं for the users, तो I would love to try it whenever it is on mainnet, और जब भी आप हमारे को opportunity दो। Absolutely, हम भी चाहते थे आपकी तरह, मेरा भी ऐसे था कि हर कोई अपना node run करना चाहिए, लेकिन अभी क्या हुआ है ऐसे state में है कि node run करना बहुत ही complicated हो चुका है, because आपको बहुत resources चाहिए, तो आप अगर छोटे user हो, regular user आप नहीं करोगे, because it is very complicated. तो हम चाहते थे कि हर कोई अगर उसको पार्टिसिपेट करना है एज अ कंट्रीब्यूटर टू द ब्लॉकचेन इकोसिस्टम, उसको नोड रन करना होना चाहिए इजीली और अफोर्डेबली, तो वही हम ला रहे हैं अभी यहां पे। परफेक्ट परफेक्ट। सो व्हाट इज द टाइम फ्रेम फॉर दिस प्रोजेक्ट टू लॉन्च, लाइक इस साल एंड वी कैन हियर इट ईयर एंड और नॉट? या तो हमारा जो पहला टेस्टनेट है वो ऑलरेडी लाइव है इस क्वार्टर में, मतलब अभी नेक्स्ट 2 महीने में हमारा बीटा नेट आएगा। तो बीटा नेट में क्या होगा, आप टेस्ट नोड भी रन कर सकते हो, तो आप जो लाइव में जो एक्चुअली आपको एक्सपीरियंस करना है नोड रन करना, वो अभी आप टेस्ट नेट में भी रन कर पाओगे नेक्स्ट 2 महीने के अंदर आ जाएगा। उसके बाद टुवर्ड्स द ईयर एंड मेन नेट लॉन्च करना है, तो अगेन अभी टेस्टिंग ये वो सब हो जाएगा तो हमको बेटर मालूम पड़ेगा, लेकिन हमारा टाइमलाइन यही है, ईयर एंड में हमको मेन नेट लॉन्च करना है। अब नेक्स्ट 1-2 महीने के अंदर हमें बीटा नेट, तो बीटा नेट में एक बार सब जब सबके हाथ में बीटा नेट पहुंच जाएगा तो हमें सॉर्ट ऑफ रियल वर्ल्ड टेस्टिंग भी हो जाएगा कि नोड रन करते हो क्या होता है और यू नो क्या प्रॉब्लम्स है, वो सब फिक्स कर लेंगे। बट हाँ ये टाइमलाइन है, ईयर एंड तक मेन नेट लाना। सो विदाउट एनी इश्यूज, अगर कोई इश्यूज नहीं आते तो ईयर एंड तक वी कैन एक्सपेक्ट दैट शार्डियम माइट गेट लाइव। So Shardium is having its own Absolutely. token, that is SHM. Shardium? SHM. SHM. Shard token ka naam Shard hai. Matlab every Shard, वैसे एक Shard is a token. SHM is the ticker. So agar main thoda sa audience ko batana chahe, what will be the basic use case of the token? So very similar to jo bhi blockchain ka sabse bada use case hai aapko gas fees ke liye. To wo ek first use case hoga. Second aapko staking ke liye. बिकॉज आपको अगर नोड रन करना है तो आपको SHM चाहिए और SHM को आपको स्टेक करना पड़ेगा, स्टेक करने के बाद आप नोड रन कर सकते हो। तो ये दो सबसे मेजर यूज केस है। एंड जो नोड रन करेंगे उनको जो रिवॉर्ड मिलेगा दैट विल बी इन शार्ड एज वेल और या सेम इट बी इन शार्ड। ओके परफेक्ट। सो आई वाज आस्किंग अबाउट द ब्लॉकचेन साइज, लाइक व्हाट इज द ब्लॉकचेन साइज, लाइक बिटकॉइन इज 21 मिलियन, अबाउट द शार्डियम? ओके इट इज 500। सो अभी आप अगर मैक्सिमम जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है उनका अगर आप सप्लाई देखोगे तो उनका अनलिमिटेड सप्लाई होता है और ज्यादातर आप नहीं बोल सकते कितना होगा। हमारे केस में हमने एक सप्लाई कैप डाल दिया है विच इज 508 मिलियन, तो 508 मिलियन के ऊपर कभी जाएगा नहीं। अगेन दिस विल बी 51% इसमें से जो है वो नोड रिवॉर्ड्स के लिए, तो आपको यू नो एज अ नोड रिवॉर्ड आपको ओवर 25-30 इयर्स में मिलेगा ये 51% ऑफ दिस 508 मिलियन। ओके नियर अबाउट 250 मिलियन। यस जस्ट लाइक अ कांसेप्ट ऑफ बिटकॉइन यू कैन से। यस ओके सो दैट इज नाइस आई बिलीव, बिकॉज़ कैपिंग होना इज ऑलवेज प्रीटी मच नेसेसरी फॉर द प्राइस टू गो अप एंड दैट इज गुड। So nice to hear about Shardium. I believe Ethereum का सबसे बड़ा issue फिलहाल चल रहा है और हम लोगों ने उसकी फीस, मैंने personally देखी है $100, मैंने कितनी बार पे करी है $200 for single transaction. Right now it has come down to even $1, but main thing is till when, because Ethereum के साथ हमने बहुत बार देखा है बहुत बार transaction fees बढ़ जाती है then कम भी हो जाती है। It is running तो मुझे लगता है $1 भी बहुत ज्यादा है। देखो I think आप अगर normal user के बारे में सोचोगे अभी $1 आप दोगे अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरह सोच रहे हो कि मैं कुछ इन्वेस्ट बाय करना चाहता हूँ सेल का, बट हम चाहते हैं कि इवेंचुअली सब कोई ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ऑनलाइन, जो वेबसाइट बनेंगे, प्ले टू अर्न गेम्स बनेंगे, उनके ट्रांजैक्शन भी अगर ब्लॉकचेन में होने हैं तो द फी शुड बी वेरी वेरी लेस। तो व्हाट मैं बोलता हूँ ये क्वेश्चन रह गया हमारा। या सो वी आर यस एग्जैक्टली सो हम ट्राई कर रहे हैं कि 1 सेंट यू नो 1 सेंट व्हिच इज मे बी 1 रुपी
1 रुपी के रेंज में अगर ला पाए तभी मास एडॉप्शन होगा, बिकॉज यू नो आपको सोचना नहीं चाहिए कि आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो क्या फीस पर, एक वो है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे फीस मैकेनिज्म है कि कभी बिडिंग नहीं होगा, सबसे ब्यूटीफुल है, क्योंकि आज के डेट में अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो आपको सोचना पड़ता है कितना फीस दूं मैं, क्या मैंने बहुत ज्यादा दे दिया तो आपका लॉस हो गया, आपने बहुत कम दे दिया आपका ट्रांजैक्शन पेंडिंग में चला गया और हमेशा के लिए पेंडिंग रहता है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, फीस कॉन्स्टेंट है, तो जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसका कॉन्स्टेंट फी होगा सबके लिए, एंड देयर इज नो फ्रंट रनिंग। तो ऐसा नहीं है कि आपने कम फी दिया किसी ने ज्यादा फी दे के आपसे पहले उनका ट्रांजेक्शन होगा, इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, अगर आपका पहले आया तो पहले आपका ट्रांजेक्शन होगा, उसके बाद मैंने अगर भेजा तो मेरा ट्रांजेक्शन। तो इसके अंदर क्या ऐसा भी होगा कि अगर हम नोट्स नंबर ऑफ नोट्स बढ़ जाती है तो और सेंट से भी हम शायद कम चले जाए? ऑफ कोर्स, आई मीन ओवर टाइम, बिकॉज़ एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आप अगर 1 सेंट अगर आप फी पकड़ोगे और अगर आपका टीपीएस जो ट्रांजैक्शन पर सेकंड, अगर समझो नेटवर्क इतना बड़ा हो गया कि 1 मिलियन टीपीएस आ रहा है, तो आपका जो डेली फी अर्निंग है वो अराउंड $850 मिलियन होगा एक दिन का। So there is a potential के उतना cost आपको hardware का नहीं लगेगा even at 1 million TPS, तो maybe उस time पे शायद it will go lower, but that's the beauty के यहाँ पे fees lower जाएगा, जैसे जैसे network बढ़ेगा और efficiencies आएंगे तो fees और lower जाएगा, तो ultimate aim जो 1 rupee का है I think that is like a bare minimum वहाँ पे होना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे network बढ़ेगा we can उससे और घटा सकते हैं। amazing सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रोजेक्ट निशल, बेसिकली काफी हद तक सारे डाउट अबाउट द शार्डियम तो क्लियर हो गए हैं। इफ आई फाइंड एनी मोर डाउट आई विल आस्क यू पर्सनली और शायद किसी और वीडियो के अंदर ऑडियंस के साथ उसके आंसर मैं दे पाऊंगा। अगर और ऑडियंस को भी बोलना चाहूंगा अगर आपके कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एड ऑन कर दो सो दैट आई कैन आस्क निशल पर्सनली एंड देन मेक अ सेपरेट वीडियो और अ सेक्शन इन अ वीडियो जहां पे मैं आपके क्वेश्चंस के डाउट को क्लियर कर पाऊं। बाकी रेस्ट थैंक्स निश्चल फॉर कमिंग ऑन द चैनल अगेन और शार्डियम के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड आई रियली होप दिस प्रोजेक्ट कैचेस द फायर एज विजरेक्स डिड इन इंडिया एज वेल। तो आई रियली होप दिस विल बी अनदर सक्सेस फॉर यू गाइस एंड जब भी इसका कोई भी टेस्ट नेट हो बेटा टेस्ट हो जब भी हो अपॉर्चुनिटी फॉर अस अपॉर्चुनिटी फॉर आवर ऑडियंस जब भी आए तो प्लीज लेट अस नो सो दैट वी कैन ऑल टेक एडवांटेज ऑफ इट और शायद नोट रन करने का जो कि मैं हमेशा ट्राई कर रहा हूँ I might even start from Shardium and try करूँ शायद ऑडियंस को भी उसके बारे में बताना because it is like a residual income that a person can earn if you run a node. So why not to do it? And in the beer market, it is the best Absolutely. Thing to do. Yes. और मैं जरूर आपको बताऊंगा और maybe अगर हो सके तो we can also एक I think we can make a video on कैसे node run करते eventually जैसे एक बार हो जाएगा. I will need. Yeah. Yeah, and हम लोग एक airdrop program भी लाएंगे eventually, तो वो भी मैं आपको inform कर दूंगा तो so that आप early adopters सब लोग join कर सकते हैं network को बढ़ाने में। So amazing, that is a very good news for all of our audience itself right now कि airdrop आएगा तो लोग बहुत speed पे for sure adopt करना start कर पाएंगे and out of all the people जिनको थोड़ी सी भी technical knowledge start हो चुकी है या है थोड़ी बहुत they can easily start to run the node for Shardium और Shardium में जितने node बढ़ेंगे simple अगर मैं words में बताऊँ जितने ज़्यादा node बढ़ेंगे जितने ज़्यादा shards बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा transaction speed जो है वो बढ़ जाएगी scalable network उतना ज़्यादा हो जाएगा जो कि बहुत बड़ा issue है Ethereum का transaction fees बहुत ज़्यादा लगती है वो सारे issues Shardium फिलहाल solve कर रहा है by dividing the blockchain into different parts smaller parts basically। चलो निश्चल थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ऑन टू द चैनल कोई भी डाउट हो ऑडियंस का आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट बॉक्स में प्लीज डालना सो दैट आई कैन रीड इट आउट एंड आस्क निश्चल पर्सनली कि इसका आंसर क्या है। थैंक यू सुमित थैंक्स अ लॉट हैव अ गुड डे। सो ऑडियंस प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करना मत भूलना सो दैट दे कैन ऑल्सो नो व्हाट इज शार्डियम आने वाले टाइम में क्या होने वाला है शार्डियम के अंदर आपको इस वीडियो के साथ सारे आंसर मिल जाएंगे। थैंक यू थैंक्स अ लॉट। Done.